हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। ईशा देओल के संगीत सेरेमनी पर सोहेल और शेरा ने किसके साथ की गुंडागर्दी? शाहरुख और इमरान के इनकार के बाद साजिद नाडियाडवाला ने किसे किया टू स्टेट्स के लिए फाइनलाइज? दिखाएंगे ईशा देओल के मेहंदी सेरेमनी की फुल डिटेल्स। बताएंगे सलमान किस तरह प्रमोट करेंगे अपनी फिल्म एक था टाइगर को। और दिखाएंगे शाहिद प्रियंका के फोटोशूट की खास झलक। बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईशा देओल की संगीत सेरेमनी पर पहुंचे सेलेब्स और पार्टी के दौरान हुए डांस और मस्ती की फुल अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके हैं, पर आज जूम आपको टॉप स्टोरी में बताएगा इस पार्टी के दौरान हुए हंगामे और कंट्रोवर्सी की फुल डिटेल्स। I think he's a fabulous couple. I know Bharat since years. He's a Bandra boy, and you know Isha's been a family friend. So I just wish him all the wish him all the best, and I think it's a beautiful moment in the life. Aisha Deol ke sangeet ceremony par media ke samne Sohail nazar aaye kuch is tarah calm and cool andaaz mein. Party mein pahunche Sohail, Aisha aur Bharat ko de rahe the badhaiyan. Wish him all the best, and I think it's a beautiful moment in the life. Aur tab ye grand party bahar se nazar aa rahi thi calm and cool. लेकिन अब जूम आपको बताने जा रहा है इस संगीत सेरेमनी के दौरान हुए गुंडागर्दी के बारे में। जी हां, ऐशा के संगीत सेरेमनी पर हुआ खूब हंगामा। ऐशा के लाइफ के इस सिग्निफिकेंट ओकेजन पर दो लोगों ने खड़ा कर दिया बवाल। जूम के सोर्सेस की माने तो पार्टी के शुरुआत में इस तरह काम एंड कूल अंदाज में नजर आए खान खानदान के बिगड़ैल नवाबजादे सोहेल और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने मिलकर इस फंक्शन में मचाया खूब हंगामा। सोहेल इस पार्टी में पहुंचे थे सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के साथ, और पार्टी में एंट्री के बाद थोड़ी देर तक तो यहाँ शेरा और सोहेल ने किया खूब एंजॉय। लेकिन लेट नाइट तक चली इस पार्टी में अचानक सोहेल का मूड हो गया खराब, और पार्टी में मौजूद एक शख्स के साथ सोहेल ने शुरू कर दी हाथापाई। और तो और, सोहेल के साथ वहां मौजूद शेरा ने इस झगड़े को रोकने की बजाय इस मार पिटाई में दिया सोहेल का साथ। सोर्सेस का कहना है कि इस पार्टी में सलमान को इनविटेशन भेजा गया था और सलमान के कंट्री से बाहर होने की वजह से सोहेल इस पार्टी को अटेंड करने पहुंचे थे, लेकिन सलमान की कमी पूरा करने पहुंचे सोहेल यहां शेरा को साथ पाकर खुद को ही सलमान समझने लगे और पार्टी में जमकर मचाया हंगामा। वैसे सोहेल के किसी पार्टी में मारपीट की ये पहली इंसिडेंट नहीं है। कुछ दिनों पहले एक नाइट क्लब में एक बिल्डर के साथ भी सोहेल ने की थी मारपीट, और उस वक्त सलमान ने बीच बचाव करके इस इंसिडेंट को रफा दफा कर दिया था। वैसे सोहेल ही नहीं, आजकल हर दूसरे इवेंट पर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की बदतमीजी भी दिख जाती है, और सबका मानना है कि खान फैमिली और उनके एसोसिएट्स की ये हरकत केवल और केवल सलमान के पॉपुलैरिटी की वजह से बर्दाश्त कर ली जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मीडिया में गुड बॉय का इमेज रखने वाले सलमान अपने भाई और बॉडीगार्ड के इस हरकत का जवाब किस तरह से मीडिया को देते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। ईशा के संगीत सेरेमनी की फुल डिटेल्स तो हमने आपको दे दी, और आइए अब आपको ले चलते हैं ईशा के मेहंदी फंक्शन पर, जहां पहुंचे कई बॉलीवुड सेलेब्स ईशा को बधाई देने। हैव अ लुक। सज गई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐशा देओल के हाथों में मेहंदी। एक एक करके आए ऐशा के मेहंदी फंक्शन पर उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली, सबने दी ऐशा को खूब सारी विशेस फॉर हर मैरिड लाइफ। कंग्रेचुलेशंस ऐशा, इट्स ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी एंड यू आर आल्सो हैप्पी, सब लोग खुश हैं।
एंड आज मेहंदी लगी है। ऐशा देओल आई अपने मेहंदी फंक्शन पर पूरे ढोल धमाके के साथ। Wearing a saffron green combination ghagra choli, Aisha lag rahi thi like a perfect bride, simple and elegant. Aur unki mehndi bhi lag rahi thi kafi pretty. Aur sirf Aisha hi kyun, unki mummy yani Hema ji bhi lag rahi thi kafi beautiful. To aaiye Hema ji se baat karte hain aur jante hain is function ke bare mein. Aaj mehndi lagi hai and the day after is the wedding. Chahenge ma'am mehndi aapke haath mein lage thodi si dikhaye to please. Abhi tak neend ये पूरा अभी और लगाना है, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आए हैं। वैसे हिमा जी आपकी साड़ी भी है काफी गॉर्जियस। आपके लिए साड़ी किसने डिजाइन किया आज? दिस साड़ी इज बाय नीता लुल्ला। वैसे यहाँ हमने एज अ गेस्ट पहुँची नीता लुल्ला से भी बात की अबाउट हर अटायर एंड ऑल्सो अबाउट शी बीइंग अ नोन डिजाइनर फॉर ऑलमोस्ट ऑल बॉलीवुड ब्राइड्स। लेट्स हियर हर आउट। इट्स राइट इन द मिड्स ऑफ द हीट, सो आई नॉर्मली एम नॉट इनटू वेरी bright colors and I think lemon is more my color and the outfit that I've made for Aisha today is also on the same family so which color kya design hai kaisa hai aapne kuch input diye tell us something about the outfit Aisha's outfit has been totally done by me I mean inputs to Aisha ne diye nahi hai because she is too excited and she's all over the place with her functions And uski dress is green with saffron and yellow and orange combination. It's not very difficult क्योंकि सबकी personality अलग है, सबके style statements अलग हैं और सबको मतलब एक comfort level होती है अलग अलग रंगों के साथ तो उनको अपने ही जो comfort level में घोलना और उनको ऐसे dress देना कि वो सुंदर लगें It doesn't become very difficult because you know the person and you know their personality. हम आपको बता दें कि ऐशा की हाथ में रची ये मेहंदी खास इस्कॉन टेंपल से मंगाई गई थी और उनकी मेहंदी आर्टिस्ट ने हमें बताया उनके मेहंदी डिजाइन के बारे में। कुछ नहीं, मेहंदी लग गई उनकी ईसा जी की सुबह ही और स्पेशली पैटर्न बनाई थी उन्होंने साउथ इंडियन और लोटस जो उनका थीम है उसके हिसाब से मेहंदी की है और हेमा जी ने वो डिजाइन चॉइस की थी और आज सुबह लगा ली और आज अब सब और लोग को लगानी है मेहंदी। वो तो अभी मेहंदी बाकी है, एक स्पेशली इनका था राधा किशन के यहाँ से मेहंदी आई थी और बैंगल्स आई थी, वो मेहंदी स्पेशली हेमा जी ने अपने सामने ही मिक्स करवाई और वो मेहंदी से हम लोग ने मेहंदी लगवाई, वो सगन की मेहंदी आई थी स्पेशल, वो था कि ऐसे कभी कहाँ हुआ नहीं है पर हेमा जी ने खुद ने सामने खड़े रह के मेहंदी मिक्स करवाई। फाइनली सेरेमनी के खत्म होते होते हेमा जी विद अहाना The bride and the groom और उनकी फैमिली सब बाहर आए to wave to the media और कुछ इस तरह complete हुई ऐशा की मेहंदी सेरेमनी with not many B-town stars attending the function but we hope कि ऐशा के आगे के functions में हमें better Bollywood presence मिले। For Salma Khan, Zoom, Mumbai. सलमान खान अपनी फिल्म एक था टाइगर के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और अब सलमान ने इस फिल्म के प्रमोशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली है। जूम को पता चला है कि सलमान ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए की है स्पेशल तैयारी। आप भी देखिए सलमान के प्रमोशनल कैंपेन की फुल डिटेल्स ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सलमान जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब फिल्म एक था टाइगर को ही ले लीजिए। पहले तो सलमान ने अपनी बीमारी के बावजूद किया इस फिल्म के लिए शूट और अब सुनने में आया है कि सलमान ने एक था टाइगर की शूटिंग के लिए बीइंग ह्यूमन फ्रेंचाइज से स्पेशली बनवाई है टी शर्ट और इन टी शर्ट में बीइंग ह्यूमन की बजाय लिखा हुआ है बीइंग टाइगर। यानी सलमान ने अभी से तय कर लिया है अपनी फिल्म का प्रमोशन प्लान। सलमान की इस टैक्टिक को देखते हुए लगता है कि मुमकिन है जब फिल्म रिलीज होने आए तो बीइंग ह्यूमन की बजाय बीइंग टाइगर की टी शर्ट पहने दिखे सल्लू और उनके क्लोज एसोसिएट्स। वैसे भी इससे पहले जब फिल्म बॉडीगार्ड और दबंग रिलीज हो रही थी तब भी सलमान और उनके भाई इस फिल्म की प्रमोशनल टी शर्ट पहने नजर आ रहे थे। अब ऐसे में अगर सलमान की इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अगर पूरी कास्ट बीइंग टाइगर के टी शर्ट में नजर आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस गीता बसरा और हरभजन के लिंकअप और मैरिज की खबरें अक्सर आते रहती है।
पर अब तक ना ही गीता ने और ना ही हरभजन ने इस इशू पर कोई बयान दिया है। लेकिन पहली बार जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए गीता बसरा ने हरभजन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई को कबूला। हैव अ लुक। चाहे काम हो या ना हो, बॉलीवुड में दर्शन किसी का कम नहीं होता। हम रिसेंटली एक इवेंट पे गीता बसरा से मिले। जी कौन गीता बसरा? वेल वही जिसने बहुत पहले इमरान हाशमी के साथ काम किया था और आजकल सिर्फ अपने स्पेशल फ्रेंड भज्जी की वजह से जानी जाती हैं। तो हमने जब पूछा कि कब हो रही है शादी, तो उनका था कुछ ये जवाब। If you're getting married, that's the only reason to glow, is it? I didn't know that. No, I think I'm happy, I'm content, and there's great things to look forward to. I've got my Zila Ghaziabad to release. I've got another movie starting in July. So there's lots to look forward to. तो आपको finally काम मिल ही गया। जरा अपने इस important role के बारे में बताइए। We didn't even know that you were a part of the movie. I have a song. I'm doing an item number in the film, and I've got great co-stars to back me in that. I've got Arshad, I've got Vivek, I've got Paresh Rawalji. There's quite a few, and it's a really good number. It's a peppy number. So it's something I'm really looking forward to, and it's something that the audiences, my fans, have not seen me in. So I'm waiting for that kind of avatar to come and people see a different Geeta. But they aren't your co-stars in the movie. It's just an item number. Aur dekhiye na, Geeta nahi chahti hai ki unki item number Sheela ya Munni se compare ho. I don't want to compare it. I think my song has a different identity and a different it's a different flavor. It's not a Sheela ki joan. It's a very different flavor. It's a UP and very rustic and Indian. So And finally I get the chance to dance as well, so I've been looking forward to that. Well, comparison hona bhi kafi mushkil hai, kyunki Sheela aur Munni film mein item number ke alawa aur bhi bahut kuch karti hain. Well, ab Geeta se baat ho aur Bhajji ka zikr phir se na kiya jaye, it's not fair. To humne phir se Geeta se pooch liya, Bhajji unke kitne achhe friend hain. I've never denied that he's my friend, so that's it. Well, Geeta ne yahan Bhajji ko apna friend to maan liya, lekin jab Bhajji se shaadi ki baat aayi, to she got confused. God only knows when I'll be marrying, so... But he'll be the groom. I think you are the one who's marrying me off every, you know, second, every time I read the papers, I'm married, I'm divorced, I'm having a roka. So I don't know, I think you guys only decide when and where and let me know the date. अपनी शादी पर इतने गोल मोल जवाब दे रही गीता से जब हमने उनके ग्रूम के बारे में पूछा तो गीता ने दिया ये शॉकिंग जवाब। The groom, David Beckham, I wish. Reality check, Geeta. This is not happening. Bhajji is all you've got. Take it or leave it. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान और इमरान खान के इनकार के बाद फाइनली साजिद नाडियाडवाला ने अपनी फिल्म टू स्टेट्स के एक्टर को कर लिया है फाइनलाइज। कौन है वो एक्टर? फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान, इमरान खान, इन दोनों में से कोई स्टार नहीं बन पाया टू स्टेट्स का बिग किंग, क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया है कपूर खानदान के न्यूबी एक्टर अर्जुन कपूर ने। जी हाँ, पिछले कुछ समय से चली आ रही सारी कंफ्यूजन को खत्म करते हुए साजिद नडियाडवाला ने ऑफिशियली अर्जुन कपूर का नाम अनाउंस कर दिया है। साजिद नडियाडवाला के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू से ही काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि चेतन भगत से टू स्टेट्स के राइट्स खरीदने के बाद साजिद ने शाहरुख खान को फाइनल करने का मन बना लिया था और शाहरुख से डेट्स मिलने के इंतजार में वो काफी समय तक इस प्रोजेक्ट को डिले भी करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद शाहरुख से पॉजिटिव रिस्पॉन्स न मिलने के बाद साजिद ने दूसरे एक्टर्स की तरफ रुख कर लिया। वैसे शुरुआत में कहा गया था कि शाहरुख इस प्रोजेक्ट को करने के लिए काफी कीन थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हो सकती हैं, तो उन्होंने अपना नाम इस फिल्म से वापस ले लिया, क्योंकि प्रियंका के साथ वर्क करके शाहरुख अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते थे। वैसे शाहरुख के इनकार के बाद भी साजिद की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म के लिए कंसिडर किए जा रहे सेकंड एक्टर इमरान खान ने भी इस फिल्म से अपना पल्ला झाड़ लिया और इमरान के इस इनकार की वजह डेट इशू को बताया गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद अब फाइनली साजिद को अर्जुन कपूर के रूप में मिल गया है फिल्म टू स्टेट्स का हीरो और इसी साल नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे अर्जुन कपूर के इस फिल्म को साइन करने के बाद एक और मजेदार बात सामने आई है कि पहली फिल्म में अर्जुन ने परिणीति चोपड़ा के साथ रोमांस किया था और इस फिल्म में वो नजर आएंगे प्रियंका के साथ प्यार की बातें करते हुए। वेल, टू स्टेट्स के एक्टर्स के फाइनल हो जाने के बाद अब हम आशा कर सकते हैं कि साजिद की ये फिल्म फाइनली फ्लोर पर चली जाएगी और इस फिल्म को कोई और प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
बॉलीवुड में अजय देवगन के एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के कास्टिंग के दौरान अजय के नाम को अनुराग कश्यप ने सिरे से कर दिया था खारिज? क्या थी इसकी वजह? फुल डिटेल्स देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। इमेजिन अजय देवगन वर्सेस मनोज बाजपेयी इन गैंग्स ऑफ वसेपुर। सोचिए, इंस्टेड ऑफ दिग्मांशु धूलिया, अगर अजय देवगन होते एज राम अधीर सिंह इन गैंग्स ऑफ वसेपुर, क्यों होता ना ओमकारा अजय और सरदार सिंह मनोज के बीच की लड़ाई का नजारा मजेदार। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म रिलीज के बाद हम अचानक ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल बात ये है कि ये नजारा काफी हद तक पॉसिबल हो सकता था अगर अनुराग काश्यप इस बिग क्लैश के लिए तैयार हो जाते। जी हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर को वायाकॉम 18 से पहले यूटीवी प्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि दिग्मांशु का रोल इस फिल्म में अजय देवगन निभाएं। पर अनुराग को ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि अनुराग के मुताबिक अजय इस रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। बस फिर क्या था, डिस्कशन मूव्ड ऑन टू अ हीटेड डिबेट टू एन इवेंचुअल फॉलआउट बिटवीन अनुराग एंड यूटीवी, और मनोज अजय की जोड़ी को साथ देखने का फैंस का सपना भी टूट गया। Well, हो सकता है अनुराग ने अपनी फिल्म की इस स्क्रिप्ट को दिग्मांशु को ध्यान में रखकर लिखा हो, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि अजय की फिल्म में इंक्लूजन के बाद स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े। इसीलिए अनुराग ने अपनी मन की फिल्म बनाने के लिए यूटीवी से वायाकॉम 18 के बैनर तले जाना बेहतर समझा। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिपाशा को पब्लिकली क्यों झेलना पड़ा एम्बैरेसमेंट। बॉलीवुड एक्टर्स को कभी कभी खुद को बड़ा स्टार समझना काफी महंगा पड़ जाता है, और रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ बिपाशा के साथ एक 5-स्टार होटल में, जहां उन्हें पब्लिकली झेलना पड़ा एम्बैरेसमेंट। हैव अ लुक। बिपाशा बासु रिसेंटली हैड एन ओप्स मोमेंट। Yes, sometimes our celebrities think too much of themselves. जी हाँ, recently एक 5-star होटल में बिप्स को खुद को स्टार समझना साबित हुआ एक बड़ी भूल। दरअसल बिपाशा अपने एक फ्रेंड के साथ 5-star होटल पहुंची डिनर करने, और बिप्स के सामने वाली टेबल पर बैठी हुई थी कुछ लड़कियाँ, जो वहाँ एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक करने में मशगूल थी। लेकिन बिपाशा को ऐसा लगा कि दे आर फैंस, जो कि छुपके से बिपाशा की पिक्चर ले रही हैं। सो बिपाशा झट से उनके पास पहुंची और पिक्चर्स लेने से मना कर दिया। लेकिन बिपाशा के लिए ऐसा करना साबित हुआ एक बड़ी भूल, क्योंकि ये लड़कियां फॉरेनर्स थीं और उन्होंने बिपाशा को ये कह दिया कि हु आर यू, हम तुम्हें जानते तक नहीं, वी वर क्लिकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ अस। सो कुछ इस तरह बिपाशा हैड एन ऑप्स मोमेंट एंड शी कंटिन्यूड ईटिंग हर फूड क्वाइटली। समटाइम्स सेलिब्रिटीज जस्ट नीड टू टेक अ चिल पिल। For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/bollywoodvideos.